हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आप लोगों के सामने खड़ी है KTM की ड्यूक 390। काफ़ी ज़्यादा लोगों को मेरे पास कमेंट आए थे क्योंकि मैंने जब 250 पे वीडियो डाला था तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा प्यार दिया था। तो गाइज़, आप लोगों के लिए सामने हाजिर है KTM की 390 ड्यूक, जो कि BS6 वेरियंट के साथ में है। और चेंजेस की बात अगर करी जाए मुझसे तो गाइज़ ज़्यादा इस बाइक में चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलने नहीं वाले, क्योंकि ओवरऑल जो भी डिज़ाइन पहले का था वो बिल्कुल डिट्टो वैसे का वैसे ही है। बस दो चार चीज़ें ऐड्स हो गई हैं, जैसे लाइक आपका क्या कहते हैं ये जो कलर ग्राफिक्स हैं, ये मतलब देखो गाइस, बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रही ग्राफिक्स, बट ऑनेस्टली जब आप सामने से देखोगे ना आप लोगों को सच में बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, सच्ची ऑनेस्टली। तो आप लोगों को न्यू ग्राफिक्स मिलते हैं सबसे पहला। सेकंड जो चीज़ की बात की जाए तो आपको बाइक के अंदर क्विक शिफ्टर मिलने वाला है। थर्ड चेंज की बात की जाए तो आपको BS6 कंप्लाइंट इंजन। और मेरे को KTM की एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि बाकी जितनी भी बाइक्स आ रही हैं ऑलमोस्ट सबका पावर ड्रॉप हो रहा है कहीं ना कहीं, बट इस बाइक का पावर ड्रॉप नहीं हुआ। मतलब भाई देखो, KTM तो वैसे भी ऑलरेडी सबको पता है, जानी जाती है भाई अपने परफॉर्मेंस के लिए, तो अगर परफॉर्मेंस कम हो जाता तो फिर मज़ा नहीं आता। अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट चीज़ के बारे में कि इसका प्राइस कितना बढ़ा है। तो गाइज़, आप लोगों को 4,000 से 5,000 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ेंगे इस बाइक के लिए। बाकी ओवरऑल अगर आप लोगों को BS4 अभी भी, मतलब मेरे से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं लोग कि BS4 अगर मुझे मिले तो भाई BS4 ले लेनी चाहिए या फिर BS6, अगर आपको मिल रही है कोई प्रॉब्लम नहीं यार, बाइक में सब कुछ वैसा ही है, बस 4,000 से 5,000 रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ रहे हैं क्विक शिफ्टर के, ग्राफिक्स के, और आपको BS6 के साथ जो इंजन मिला है जिसमें कैथलेटिक कन्वर्टर कुछ यहाँ शायद यहाँ पर लगा हुआ है, जो ये चीज़ आप देख सकते हो। बाकी कुछ भी ओवरऑल चेंज नहीं है, बाइक को देख लो। अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड हो बाइक को लेने में तो गाइज़ आप लोगों को मैंने सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं शोरूम के, आप जाके वहाँ पे बात कर सकते हो। टेस्ट ड्राइव लेनी हो चाहे बाइक लेनी हो, अच्छी लगे तो आप बाइक भी ले सकते हो, तो सब कुछ दे रखा है। बाकी एक बार मैं आपको दिखा दूँ बाइक में, मुझे सच्ची मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आप सामने से फ्रंट से देखोगे, मतलब मींस यहाँ आके, तो आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी बाइक, क्योंकि शायद आपको वीडियोस में थोड़ी अजीब सी लग रही हो, चाहे होता है क्योंकि कलर का इफेक्ट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आ जाता है। तो आप लोग अगर लेना चाहते हो तो आप लोग आके ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तब तक के लिए।